तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एक सोलर डीसी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या फिर आप अपने यूपीएस के साथ जो कि एक सोलर इन्वर्टर नहीं है, आपको इस सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो आप उसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसमें आपको खुमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आपके सोलर से एम्पीयर्स कम आ रहे होते हैं और बैटरी आपकी कम वोल्ट के ऊपर चार्ज हो रही होती है। फिर आप पूछते हैं कि उस्मान भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूं। काइंडली आप इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों, पिछली दो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, जो कि एक है 500 वाट का सोलर सिस्टम जिसमें मैंने 260 वाट के दो सोलर पैनल यूज किए हैं, और एक मैंने अपलोड की थी 1000 वाट के सोलर सिस्टम के बारे में जिसमें के 260 वाट के चार सोलर पैनल के इस्तेमाल का मैंने आपको मशवरा दिया था। तो आप में से कई भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि उस्मान भाई, हमने सेम एज इट इज़ ऐसे ही सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जैसा आपने बताया, लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर रहा। उसमें उन्होंने 260 वाट के सोलर पैनल तो इस्तेमाल नहीं किए, अलबत्ता उन्होंने 150 वाट के या 250 वाट के सोलर पैनल यूज़ किए हैं या 180 वाट के सोलर पैनल यूज़ किए हैं। उसके साथ उन्होंने एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया और साथ ही डायरेक्ट बैटरी लगा कर उससे वो लोड चला रहे हैं, यानी कि अपने डीसी फैन चला रहे हैं या फिर अपनी डीसी लाइट्स और अपने जो भी उसका डीसी लोड है वो चला रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि सिर्फ और सिर्फ MPPT कंट्रोलर लगा लिया और उसे UPS के साथ इंस्टॉल करके वो अपना सोलर चला रहे हैं, और फिर बाद में मुझे कहते हैं कि भाई ना बैटरी हमारी फुली चार्ज होती है ना ही हमारा जो सोलर है वो सही से वर्क करता है। तो भाइयों, इसमें आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इंस्टॉल करने में। तो इस वीडियो में तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले समझ लें PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर या MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया क्यों जाता है। तो ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि सोलर से चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं। अब चार्ज क्या होती है? चार्ज होती है आपकी बैटरी। अब बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? तो प्यारे दोस्तों, जो बैटरी होती है अगर उसे ओवर चार्ज होने दिया जाए तो बैटरी के फटने का अंदेशा होता है, बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और अगर उसे बहुत ज़्यादा ओवर डिस्चार्ज कर लिया जाए तब भी बैटरी के खराब होने का अंदेशा होता है। तो होता ये है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं उन्हें नहीं पता कि बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, तो और आपके लोड को भी नहीं पता होता कि बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो जो सोलर पैनल है वो आपकी बैटरी को ओवर चार्ज कर देता है, और जो आपका लोड है वो मुसलसल चलने से अगर डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा हुआ लोड तो आपकी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज कर देता है, और आपको तभी पता चलता है जब आपका लोड बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होकर बंद हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए सोलर चार्ज कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं ताकि सोलर से आपकी बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाए और लोड चलने के साथ आपकी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से बचाए। अब दो तरह के सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं, एक होता है PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर और एक होता है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि इसको इनपुट के ऊपर जितने एम्पीयर्स मिलेंगे या इनपुट के ऊपर जितने वोल्ट्स मिलेंगे, आउटपुट के ऊपर इसके वोल्ट्स सेट होते हैं। यानी कि अगर आपने इसकी इनपुट के ऊपर 24 वोल्ट दे दिए हैं और आउटपुट के ऊपर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो ये 12 वोल्ट कर देगा, लेकिन साथ के साथ नुकसान ये है कि अगर उसे इनपुट के ऊपर 5 एम्पीयर्स मिले हैं तो आउटपुट के ऊपर भी उसने 5 एम्पीयर्स ही देने हैं, बशर्ते कि आपकी बैटरी को या आपके लोड को उतने एम्पीयर चाहिए हों। अब PWM के अंदर फंक्शन यही होता है कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग से बैटरी को बचाना है। तो इसका जो काम है वो एम्पीयर्स को बूस्ट करना नहीं होता, इसका काम जस्ट आपकी बैटरी को ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज होने से बचाना है। अब PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ जब आप अकेला लगाते हैं तो मसला क्या आता है? मसला ये आता है, जैसा कि पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं, तो इन भाइयों ने मुझसे कहा कि उस्मान भाई, हमारे साथ हो ये रहा है कि हमारे जो बैटरी है
वो या तो चार्ज नहीं हो रही और हमारे सोलर से भी अम्पेयर कम आ रहे हैं। हालांकि हमारे चार प्लेटें लगी हुई तो तकरीबन 28 अम्पेयर आने चाहिए, लेकिन आ हमारे रहे हैं किसी के 9 अम्पेयर आ रहे हैं, किसी के 10 अम्पेयर आ रहे हैं। फुल पीक के ऊपर की बात कर रहा हूँ, यानी कि 12 बजे के उन्होंने टाइम के मुताबिक मुझे तस्वीरें सेंड की हैं और ये आपके सामने भी आ रही हैं। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है तो अम्पेयर्स कम आ रहे हैं, लोड उनका तकरीबन कोई 6 अम्पेयर के नज़दीक चल रहा है और बाकी बैटरी चार्ज हो रही है। यहाँ पर बैटरी चार्जिंग वोल्ट्स भी आप देख सकते हैं कि 12 से 13 वोल्ट के ऊपर बैटरी चार्ज है। अब यहाँ पर इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो कंट्रोलर होता है वो आपकी बैटरी या लोड के मुताबिक अम्पेयर देता है, यानी कि जितनी बैटरी को अम्पेयर चाहिए होते हैं उतना ही वो अम्पेयर देता है। अब आपकी अगर बैटरी वीक होगी तो वो क्या करेगी, वो बहुत जल्द चार्ज हो जाएगी, बहुत जल्दी वो अपने चार्जिंग वोल्ट्स के ऊपर आ जाएगी जो कि कंट्रोलर के ऊपर सेट किए होंगे। यानी कि आपने अगर कंट्रोलर के ऊपर 12.5 वोल्ट सेट किए हुए हैं तो 12.5 वोल्ट के ऊपर आने के बाद वो चार्ज कंट्रोलर अपने अम्पेयर डाउन कर देगा, और उसी के साथ साथ अगर आपका लोड चल रहा होगा तो वो आपके लोड को अम्पेयर देना शुरू हो जाएगा, लोड को चलाना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको ये लगता है कि आपने 4 सोलर पैनल लगाए हैं 150 वाट के, तो उसके 7 अम्पेयर अगर एक सोलर पैनल देता तो 28 अम्पेयर आने चाहिए, तो 28 अम्पेयर नहीं आ रहे, वो कम आ रहे हैं। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे होते। और दूसरी बात, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात कर लें तो MPPT इस मकसद के लिए लगाया जाता है कि अगर आपको इनपुट के ऊपर आपके ज्यादा वोल्ट्स हैं और एम्पीयर्स कम हैं और आउटपुट के ऊपर आपने एक सिंगल बैटरी रखी हुई है, और जारी बात है एक सिंगल बैटरी को 12 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो आउटपुट के ऊपर आपको 12 वोल्ट ही चाहिए, लेकिन इनपुट के ऊपर आप 50 वोल्ट और 5 एम्पेयर दे रहे हैं, जैसा कि ज्यादा बड़ा जो सोलर पैनल होता है उसके वोल्ट ज्यादा होते हैं और एम्पेयर कम होते हैं। अच्छा, अब मोस्टली लोग 150 वाट के भी सोलर पैनल लगाते हैं, मिसाल के तौर पर 4 लगा लिए, 6 लगा लिए, 8 लगा लिए, तो अब क्या होता है अगर उन तमाम सोलर पैनल्स को पैरेलल में ज्वाइंट करते हैं तो पैरेलल में वोल्ट सेम रहते हैं, यानी कि एक सोलर पैनल अगर 18 वोल्ट दे रहा है तो वो सेम रहेंगे लेकिन अम्पेयर जो है वो जमा हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि अम्पेयर ज्यादा होने की वजह से आपको जो वायर है वो ज्यादा मोटी लगानी पड़ेगी, अगर आप मोटी नहीं लगाएंगे, वायर छोटी लगाएंगे तो अम्पेयर उसकी वजह से भी डाउन हो जाते हैं। तो उसका हल ये है, या तो आप एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा लें, तो उसमें होगा क्या, तमाम सोलर पैनल्स को आप सीरीज में ज्वाइंट कर लेंगे, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की इनपुट के ऊपर अगर आप ज्यादा वोल्ट्स देते हैं, अम्पेयर्स कम भी दे देते हैं, तो आउटपुट के ऊपर आपको 12 वोल्ट चाहिए, लेकिन अगर 50 वोल्ट से आपने 12 वोल्ट किए हैं तो जितने वोल्ट्स कम हुए हैं उतने ही अम्पेयर्स बूस्ट हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 50 को आपने 12 में कन्वर्ट किया है तो बाकी 38 अम्पेयर आपके बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो फार्मूले के मुताबिक होगा कि आपके अम्पेयर्स कितने बूस्ट होने चाहिए। जो MPPT कंट्रोलर है वो खुद ही से उतने अम्पेयर्स को बूस्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे इनपुट के ऊपर आपने 5 अम्पेयर दिए हैं तो फार्मूले के मुताबिक आपकी बैटरी को 20 अम्पेयर मिलने चाहिए, तो वो 20 अम्पेयर ही आपकी बैटरी को देगा, लेकिन कुछ ना कुछ पावर अपने अंदर भी खर्च करेगा, जारी बात है उसे भी खुद को चलाना है, तो थोड़ी सी पावर वो खुद यूज करेगा बाकी आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। अब यहाँ पर बहुत सारे MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं जो के देसी सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं, उनके अंदर लोड की ऑप्शन नहीं होती। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि आपकी जो बैटरी चार्जिंग है वो तो कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन जब आप डायरेक्ट लोड लगाते हैं तो वो क्या होता है कि आपकी बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी खराब होने का अंदेशा होता है। तो इसका आसान सा हल मैं आपको बता देता हूँ अगर आप तमाम मसाइल से जान छुड़वाना चाहते हैं। तो भाइयों, करना यह है कि आपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर भी लगाना है और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर भी लगाना है। अगर आप एक अच्छे वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लेते हैं जिसकी कीमत 30-35 हज़ार के नजदीक पहुंच जाती है, अगर आप 60 एम्पेयर का लेते हैं, 80 एम्पेयर का लेते हैं या 100 एम्पेयर का लेते हैं, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब मार्केट में देसी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर भी मौजूद हैं जो कि आपको कम कीमत में मुनासिब रेट में आपको मिल जाते हैं, तो अगर आप वो लगाते हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं होती लोड की, मगर जब आप बड़े सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं MPPT वाले तो उसमें लोड की ऑप्शन होती है, आप डायरेक्ट उसी से लोड लगा सकते हैं। तो अगर आप पैसे कम खर्चना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर अगर लगाते हैं तो PWM भी लाजमी लगाएं। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से आप अपनी बैटरी को चार्ज करें
और अगर आप अपना डीसी लोड चलाना चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यूएम से बैटरी को कनेक्ट करके उससे आप अपना लोड इजीली चला सकते हैं। अब इससे होगा ये कि आपकी चार्जिंग भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और आपकी ओवर डिस्चार्जिंग भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह से अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रही बात कि आपके एम्पीयर्स कम बैटरी को मिल रहे हैं, तो भाई अगर आपकी बैटरी सही है और वो चार्ज हो चुकी है 13.5 वोल्ट के ऊपर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलर ने खुद से सोलर पैनल्स के जो एम्पीयर्स हैं उन्हें कम किया है ताकि आपकी बैटरी प्रोटेक्ट रहे। लेकिन अगर आपकी बैटरी ख़राब है, वो जल्दी चार्ज हो जाती है और एम्पीयर कम हो जाते हैं, तो भाई आप अपनी बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं, आपका मसला इससे सॉल्व हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।